Coming first of all, so this is a podcast named Rush with Ruch. So what we are doing in Rush with Ruch, because season 1 already completed with episode 9 and season 2 we already shot with Nazim jo ki Ahem ji ka kirdar nibha rahe the and Shireen Mirza jo ki yeh chahti hai mohabbate mein apna acha bahut acha role nibha chuki hai and Simi aur Niyatika. Ab badhte hain, jaisa ki aapne pucha ki yeh podcast mein kya different hoga. सो सबको पता है कि जो इंडस्ट्री से हम लोग हैं वहाँ लगता है सिर्फ ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, सिर्फ ब्यूटी है, खूबसूरत चेहरा लेकर आ जाओ और काम मिल जाता है. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगर उसके पीछे मेहनत नहीं की शिद्दत से तो वो काम बिल्कुल नहीं मिल सकता. एंड आई एम टेलिंग यू, एक्टर्स को चाहे वो किस भी लेवल पर पहुँच जाए, हर लेवल पर और हर कैरेक्टर के लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है. ये हमेशा, ये हमारी आम जनता को नहीं पता होता है. सिर्फ ऑडियंस कभी प्यार देती है और कभी हेट भी देती है. तो जब वो हेट देती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट हेट देम, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हर उस कैरेक्टर के पीछे जिनके जिनके लिए उनके उन्हें काम करना होता है. राइट, तो आपने इस शो के लिए क्या क्या तैयारी की है, किससे इंस्पायर हुए और कैसे सोचा कि इस तरह का कोई शो है? ओके, सो that is the full on inspiration. It's by me only, because I'm in the entertainment industry. I'm an anchor and singer by profession from 13 years. So when I shifted Bombay, I was giving the audition. So I've done 3 serials before without giving any audition. Then after that I started my auditioning journey, but I was not getting any kind of yes from anywhere. Then I started like oh no, mera to kahin ho hi nahi raha, what should I do now, what should I do? I want to tell you one thing. बॉम्बे आए हो अपने सपने पूरे करने के लिए, तो सिर्फ अपने सपने के पीछे भागते रहो और विजिबल रहो. अब वो कैसे रहना है वो आपको देखना है. मुझ में टैलेंट था मेरी आवाज़ का और मेरी बातों का, वो टैलेंट मैं आप सबके सामने ले आई. एंड यस, इंस्पिरेशन इट्स मी. सो क्योंकि घर वालों से बहुत सुनने मिलता है, आप बोलते बहुत अच्छा हो. इवन माई फैंस, माई फ्रेंड्स एंड माई क्लाइंट्स, माई कोलीग्स, एवरी वन इज़ लाइक आप बोलते बहुत अच्छा हो. सो या आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट. सो शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम आपके फेवरेट किरदारों को लेके आते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट को लेके आते हैं, उनकी लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं. एंड आई एम श्योर जो लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ से भी जुड़ी होती हैं. वो आर्टिस्ट बनने से पहले एक आम लाइफ जी रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी से कुछ 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 आपकी ज़िंदगी में भी जुड़ाव होता है. सो गाइस, मैं बस वही लेकर आने वाली हूँ रश्मि त्रुच के ज़रिए. देते रहिए बहुत सारा प्यार, बिकॉज वी नीड बहुत सारा प्यार. लव यू ऑल एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और बेस्ट विशेस तो यही है कि बहुत अच्छा शो जाए. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई सिस्टर इन लॉ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर इन लॉ एंड गुड लक फॉर योर ब्यूटिफुल फ्यूचर.
So I know Ruchita for like 5 years now. So I know she is very enterprising, she is very dynamic, and she has created such a special space for her in the industry. And of course, itna exciting season one or season two tha. And of course, the next will be even more exciting, more engaging, and I'm really looking forward. And I wish Ruchita a very, very hearty congratulations and all the very best. Thank you. नए शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, इसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। माय बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। आई नो बहुत मेहनत लगती है एक शो को आने में, सो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। कहेंगे नया शो, नई चीज शुरू होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सबको काम मिलता है और आज के दौर में काम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक न्यू शोज, न्यू चैनल्स, न्यू पॉडकास्ट एंड न्यू वर्ल्ड, न्यू एनर्जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्साइटमेंट है और क्या आप भी अपीयर करते हुए नजर आएगी शो? सो आपको वो शायद नहीं पता है बट मैं सीजन वन की आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट। मैं आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस शो एंड आई नो यू नो Ruchita has put in a lot of hard work, efforts, lot of blood, sweat in it, and I hope her the very, very best, and I know it's going to like do really well. Thank you so much for always being there for me. Thank you so much for all your lovely wishes. Thank you. Love. Come here. हमारी तरफ से best wishes और हम चाहेंगे कि बहुत success हो और ऐसी पार्टियाँ होती रहें यहाँ पर, हम मिलते रहें और क्या है। शायद दिखेगा जल्दी कुछ ना कुछ, हमारा नहीं दिखेगा तो दोस्त लोगों का दिखेगा, कुछ हमारे दोस्तों का दिखेगा, वक्त ही बताएगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं, क्या बेस्ट विशेस? एक काफी सारे लोग बेस्ट विशेस टू Ruchita, क्योंकि अच्छा एक लॉन्च होने जा रहा है उनके लिए, तो दुआ करेंगे बहुत सक्सेसफुल हो एंड हम भी उनका आगे पॉडकास्ट करते रहे। सर आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? हम तो Ruchita के साथ हैं, हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़े और हम उनके साथ जुड़े रहें। थैंक यू। सो आई विश Ruchita ऑल द बेस्ट। उसने मुझे इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट पे, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आई थिंक आज पार्टी के बाद मैं कर लूँगा पॉडकास्ट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट विद हर। मतलब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स आएंगे अभी क्या, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और गर्मियाँ हो रही हैं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अरे Ruchita इतनी मेहनती लड़की है, वो उसके जितने भी अभी रश्मि ध्रुज आया है वो इतना सक्सेसफुल रहा है एंड आई होप उसके जितने भी जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही है सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आएंगे, बिकॉज हार्ड वर्किंग लोगों को कभी भी कुछ ऐसे कमी नहीं रह जाती। तो यस, शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। फर्स्ट सीजन तो ऑलरेडी आ चुका है, इट वॉज़ वेरी नाइस and I'm looking forward for it and all the best to her, she is doing very good, very very good, so yeah, thank you so much. सबसे पहले तो मैं congratulations बोलना चाहूँगी and all the best and we are here for her, so definitely all the best and best wishes. Not yet, but let's see. I don't know. I'm not decided anything as of now, and maybe later. Let's see. Upcoming project like I think I've just finished one of my show for Beyond Dreams, and now as a producer, because we have our own production company, we are coming up with a web series, and that is for Hangama. So yeah, we are occupied with that. सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज इवेंट ऑल्सो एंड संतोष जी भी बहुत दिन बाद दुबई से आए हैं, मुझे उनसे भी मिलना था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड आई गेस आई एम नॉट लेट, राइट? आई एम टाइम। सो आई एम डूइंग वन सॉन्ग विद अंकित तिवारी, आई एम शूटिंग दिस अप्रैल।
जी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द सीजन 1 मी एंड दीपक कालरा वर अ पार्ट ऑफ दैट तो बहुत ही फन था सेशन और यहीं टू ट्रम ट्राम में हुआ था एंड शी इज अ फ्रेंड एंड अ वेरी गुड होस्ट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे ऑल्सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हर एंड गॉड ब्लेस हर सो दैट्स ऑल आई थैंक यू मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेज हैं रुचि जी के लिए मेरा भी नाम रुचि है इनका नाम भी रुचि है एंड द मेन थिंग मैं भी राजस्थान से हूँ ये भी राजस्थान से ही बात मुझे अभी पता चली तो मेरी बहुत बेस्ट विशेज हैं उन्होंने अपना चैनल पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है उनका बहुत अमेजिंग जाए ब्लास्ट जाए बहुत सक्सेस मिले उन्हें हाँ मेरा अभी इसी मंथ में अप्रैल में मेरा एक शारिक तोशी के साथ एक सॉन्ग मेरा रिलीज हो रहा है ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन हो चुकी है आपसे वापस मिलेंगे मेरे सॉन्ग के रिलीज पर थैंक मैं जब से एक्साइटेड हूँ जब से मैंने ये शूट किया है सीज़न 2 का फर्स्ट सेकंड एपिसोड आई थिंक और जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही आउट हुआ है लाइव हुआ है एंड टू बी ऑनेस्ट रुचिता को मैं आई थिंक आई नो हर फ्रॉम पास्ट 2 decades तो शी इज़ अ रियली रियली थिक फ्रेंड वी बोथ बिलोंग टू द सेम सिटी सो आई जस्ट वांट टू विश हर द बेस्ट ऑफ लक एंड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज शी इज़ अ मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल हम जो मिले हैं अभी तक इस तरीके से सो या ऑल द बेस्ट कंसिस्टेंटली और जर्नी इज रियली अमेजिंग इंस्पायरिंग बहुत कुछ अपनी जैसे कहते हैं जान डाल देती है हर अपना काम करने में सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के ऊपर जाके देखता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने इंतजाम किए हैं एंड वी आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हर थैंक यू आज का जो इवेंट है रुचिता जो हमारी पिनाकल की एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है मतलब पिनाकल ग्रीन फॉर मोर देन अ डिकेड ईयर और मुझे इस इंडस्ट्री में 2 decades हो गए पिनाकल को मैंने टेक ओवर किया हुआ है अभी और हमारी कोशिश है कि हमारे हर आर्टिस्ट को हम इस तरह से सेलिब्रेट करें तो आज पिनाकल के पास 104 आर्टिस्ट हैं ये सारे आर्टिस्ट हमारे एक्सक्लूसिव हैं और हमारी ये कोशिश है कि और भी आर्टिस्ट और उन्हें जितना मतलब हम बेहतर बना सकें इस इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन हमने इस इंडस्ट्री को इस टाइम पर पिनाकल के साथ रश्मि देसाई मौनी रॉय करिश्मा तन्ना अर्जुन मिर्जानी ये सारे पिनाकल के आर्टिस्ट हैं और आज भी हमारे साथ और भी बहुत आर्टिस्ट जुड़े हैं जैसे कि अंकित गुप्ता है जैसे कि भूमिका गुराग है किंचित महाजन जिसे आप चुके हैं आकांक्षा पूरी उमर रियाज ये सारे हैं तो हमारी यही कोशिश है कि इसको हम और बेहतर कैसे बनाएं और इस इंडस्ट्री को और बेहतर बाहर के कहीं से भी आए हुए किसी भी लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जोड़े और पिनाकल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं लोगों को पहुंचने के लिए और पूरी इंडस्ट्री को पिनाकल से बेहतरीन आर्टिस्ट देने के लिए फ्यूचर प्लान्स ये है कि पिनाकल अब तक बहुत ज़्यादा टेलीविजन के साथ ही जुड़ा हुआ था लेकिन अब हम टेलीविजन से आगे बढ़ के वेब के स्पेस में भी एंटर हो चुके हैं फिल्म्स के स्पेस में एंटर हो चुके हैं एड वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम मतलब हम इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं हम बहुत से टैलेंट हंट्स करने के लिए लॉन्च करने वाले इस साल में बहुत सारी ये नई चीज़ें लॉन्च होगी बिकॉज इट्स लाइक मैनी ऑफ द थिंग्स जो अलग अलग तरह के टैलेंट्स हो गए मतलब वो सिंगिंग के स्पेस में हुआ एक्टिंग के हुआ मतलब हम पिनाकल को रोकना नहीं चाहते किसी एंड सून वी आर गोइंग टू टाई अप विद अ वेरी बिग जायंट कंपनी एंड एसोसिएट विद देम एंड टेक इट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म जिससे हमारे सभी आर्टिस्टों को और सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा